हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम बड़े गुलाम अली खां का जीवन परिचय और इनका संगीत में क्या योगदान रहा उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म 2 अप्रैल 1902, मृत्यु 25 अप्रैल 1968 की गणना भारत के महानतम गायकों वे संगीतज्ञों में की जाती है। वे विलक्षण मधुर स्वर के स्वामी थे। इनके गायन को सुनकर श्रोता अपनी सुध बुध खोकर कुछ समय के लिए स्वयं को खो देते थे। भारत के कोने कोने से संगीत के पारखी लोग खां साहब को गायन के लिए न्योता भेजते थे। क्या राजघराने, क्या मामूली स्कूल के विद्यार्थी, खां साहब की मखमली आवाज सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। दिल को छू जाने वाली आवाज के मालिक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने नवेली शैली के जरिए ठुमरी को नई आब और ताब दी। जानकारों के मुताबिक उस्ताद ने अपने प्रयोगधर्मी संगीत की बदौलत ठुमरी को जानी पहचानी शैली की सीमाओं से बाहर निकाला। जीवन परिचय, उनका जीवन परिचय। बड़े गुलाम अली खां साहब का जन्म 2 अप्रैल 1902 को पाकिस्तान पंजाब के मशहूर शहर लाहौर के पास स्थित गांव केसुर में हुआ था। बड़े गुलाम अली खां ने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति संगीत से ही प्राप्त की थी और यही कारण था कि उनके बोलचाल और हाव भाव से यह जाहिर हो जाता था कि यह शख्सियत संगीत के प्रचार प्रसार के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। इनका परिवार संगीतज्ञ का परिवार था। इनके पिताजी का नाम अली बख्श खां है। दिलचस्प है कि संगीत की दुनिया में उनकी शुरुआत सारंगी वादक के रूप में हुई। उन्होंने अपने पिता अली बख्श खां और चाचा काले खां से संगीत की बारीकियां सीखी। इनके पिता महाराज कश्मीर के दरबारी गायक थे और वहां घराना कश्मीरी घराना कहलाता था। जब ये लोग पटियाला जाकर रहने लगे तो यह घराना पटियाला घराना के नाम से जाना जाने लगा। दिखने में बेहद कड़क मिजाज और मजबूत डील डॉल वाले बड़े गुलाम अली खां ने सबरंग नाम से कई बंदिशें रची। जितनी भी बंदिशें होती हैं सबरंग के नाम से, वो इन्हीं की होती है। उनकी सरगम का अंदाज बिल्कुल निराला था। साल 1947 में भारत के विभाजन के बाद बड़े गुलाम अली खां पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन संगीत के इस उपासक को पाकिस्तान का माहौल कतई पसंद नहीं आया। नजदीकतन वह जल्द ही भारत लौट आए। अब इनका करियर। अपने सड़े हुए कंठ के कारण बड़े गुलाम अली खां ने बहुत प्रसिद्धि पाई। उनका जो कंठ था बहुत मधुर था, इसलिए उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। 1919 में लाहौर के संगीत सम्मेलन में इन्होंने अपनी कला का पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन किया। फिर कलकत्ता और इलाहाबाद के संगीत सम्मेलन में इन्हें देशव्यापी ख्याति प्राप्त की। भारतीय संगीत के फलक पर 1930 के दशक के सितारे की तरह चमके इस गायक ने साल 1938 में तत्कालीन कलकत्ता में हुए एक कार्यक्रम में दुनिया के सामने पहली बार अपनी आवाज का जादू बिखेरा था। कब? कलकत्ता में 1938 में पहली बार।
उसके बाद वह संगीत को आगे बढ़ाने और उसे समृद्ध करने की मुहिम में रम गए। खां साहब किव दंती गायक थे। गायन से ऐसा मोह जाल बुनते कि आपको उसमें उलझना ही है। मुगले आजम फिल्म में जाने के लिए उन्होंने एक गाने के 25,000 रुपए मांग लिए थे, क्योंकि वे फिल्म में गाना नहीं चाहते थे। निर्देशक के आसिफ ने 25,000 रुपए देना स्वीकार कर लिया, जबकि उस जमाने में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को एक गाने के 500 रुपए से भी कम मिलते थे। बड़े गुलाम अली खां के मुंह से एक बार राधे कृष्ण बोल भजन सुनकर महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे। जब नेहरू जी की बात का बुरा मान गए खां साहब, बड़े गुलाम अली खां साहब हिंदुस्तान की सबसे करिश्माई आवाजों में से एक थे। उनके हर कॉन्सर्ट में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। किस्सा उन दिनों का है जब बड़े गुलाम अली खां साहब एक कार्यक्रम के सिलसिले में कोलकाता आए हुए थे। उस वक्त देश में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू खुद भी खां साहब की गायकी के बड़े कद्रदान में से एक थे। इत्तफाक ऐसा हुआ कि किसी आधिकारिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए पंडित नेहरू भी कलकत्ता में मौजूद थे। जब उन्हें पता चला कि खां साहब भी शहर में हैं, तो उन्होंने तय किया कि कुछ वक्त निकालकर उनकी गायकी का लुत्फ लिया जाए। उन्होंने उस होटल में फोन किया जहां खां साहब ठहरे हुए थे और उनसे बात की। खां साहब के बारे में कहा जाता है कि वो जरा सख्त मिजाज रखते थे, अपनी शर्तों पर गाते थे। औपचारिक बातचीत के बाद पंडित नेहरू ने उनसे कहा, तो खां साहब, अब इत्तफाक ऐसा हो गया है कि आप भी शहर में हैं और मेरे पास एक घंटे का वक्त भी है, सोचता हूं एक महफिल आपके साथ हो जाए। खां साहब यूं तो पंडित नेहरू के दोस्त थे, लेकिन उनकी मेरे पास एक घंटा है वाली बात शायद उनको जरा ना गवार गुजरी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद बोले, पंडित जी वो तो ठीक है, लेकिन आज रहने देते हैं। ये सुनकर पंडित नेहरू ने पूछा, क्यों, आज क्या दिक्कत है? तो बड़े गुलाम अली खां साहब ने तजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या है पंडित जी, एक घंटे में तो सिर्फ मेरा गला गर्म होता है। सम्मान ए पुरस्कार। खां साहब को भारत सरकार के पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया है। मृत्यु। हैदराबाद के नवाब जहीर यार जंग के बशीर बाग महल में चांदनी और रेशम की शोभा वाली उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज 25 अप्रैल 1968 को सो गई और बीते युग के पटियाला घराने का एक सुरीला अध्याय समाप्त हो गया। तो ये था बड़े गुलाम अली खां साहब के बारे में। और इनके बारे में और भी आप जब पढ़ोगे तो इनके बारे में हर जगह पे अलग अलग तरीके से विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसमें इतना ही विस्तार पूर्वक बताया है, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक शेयर कमेंट भी करिए। तो थैंक यू एवरीवन।
एवरीवन, वेलकम टू माय